सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट इसराइल जाने के लिए आरपीएल बैच बनने का वेट कर रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उनका क्या करना है आगे, और जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप हैं और देवरिया में आपने फॉर्म भर के और वहाँ जा कर के इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास करा है, तो आपको जो है अगर लिस्ट में आपका नाम अगर आ चुका है तो आपको आगे का प्रोसेस क्या करने हैं, इन सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि आपका जो है अगला काम कब तक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है इसका चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे QR है, ग्रुप लिंक एक टेलीग्राम चैनल का, इसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम नहीं हो तो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ जाके अपना आईडी बना लेंगे और इस QR को स्कैन करके इस डायरेक्ट इस देवरिया जिला संयोजनालय कार्यालय का आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें सारी अपडेट्स जो है आपको समय से समय मिल जाती है। अगर आपने देवरिया से इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है इसराइल जाने के लिए तो ये ग्रुप आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इंग्लिश स्क्रीनिंग पास किए हैं तो वो जो है यहाँ से आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो लोग इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास किए हैं उनका ट्रेनिंग देना चालू हो चुका है। इनका कब ट्रेनिंग होगा, कैसे ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग हमें मिलेगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद से आपको जो है लिस्ट उसमें मिल जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। और जैसे ही आपको लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप जो है कॉल का इंतजार करें, ठीक। इस पहले इस लिस्ट में नाम चेक कर लें और अगर लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी आपके पास जिला संयोजनालय कार्यालय यानी कि इसके मंडल कहा जाए डिवीजन गोरखपुर में, वहाँ ITI कॉलेज में ट्रेनिंग चल रहा है, तो वहाँ पे इसराइल की टीम जो है जो हमें चयनित करके ले जाने वाली है इसराइल में, तो वो लोग यहाँ पे आए हुए जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो उन सभी के पास से आपके पास दिए हुए नंबर पे कॉल आएगा कि आपको गोरखपुर ITI कॉलेज में इस डेट में आना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा है रिज्यूम में वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ जाने हैं और वहाँ पे वेरीफाई कराने हैं, देन आपको जो है आरपीएल बैच बनेगा और आरपीएल बैच बनने के बाद से आपको ट्रेनिंग का एक डेट दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग उस डेट में दिया जाएगा। तो आप जो है ग्रुप में अपना नाम लिस्ट में अपना नाम आप चेक करेंगे, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वेट करेंगे कॉल का और लिस्ट बनने का, क्योंकि सभी लोगों का एक साथ लिस्ट जारी कर देना संभव नहीं है। अप्रोक्स 8000 के आसपास कैंडिडेट टोटल हैं जो देवरिया से पास किए हुए हैं और 8000 का एक बार लिस्ट बना करके और आरपीएल बैच बनाना ये संभव नहीं है। एक बैच में 45 कैंडिडेट्स को डाला जा रहा है और एक बैच में 45 कैंडिडेट को आरपीएल जो बैच होता है, एक बैच में आरपीएल बैच में 45 कैंडिडेट को ऐड करके और एक साथ 45 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना है। तो एक साथ सबको आरपीएल बैच बना करके सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, सबको एक एक बार एक कॉल जाएगा। जैसे इस लिस्ट में आप जी ग्रुप जो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम का, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा कि उसमें कितने कैंडिडेट्स का नाम जो है लिस्ट में आया हुआ है। अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वेट करेंगे, उस ग्रुप में आपको अगला लिस्ट जो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में अगर आप वहां पे टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जा करके जो है आप डायरेक्ट वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिस्ट उसमें है वो मेरे पास इसमें PDF आपको मिल जाएगा, एक्सेल शीट मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप फाइंड आउट अपना नाम कर सकते हैं। अगर आपका उसमें नाम है तो फिर आप कॉल का वेट करें, अगर नहीं है तो भी वेट करें, क्योंकि सबका जो है ग्रुप में उसमें नाम लिस्ट में नहीं आया है। बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके हैं और उस लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसा घबराएं नहीं, वेट करें। अगर जैसे ही फिर दोबारा दूसरा लिस्ट बनता है तो उसमें आपका जो है नाम ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बारी बारी से सबका लिस्ट में नाम आएगा, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर गए हैं सबका नाम आना है, ठीक है, सबको ट्रेनिंग मिलने हैं। तो ट्रेनिंग गोरखपुर में चल रहा है ITI कॉलेज में, ट्रेनिंग 4 दिन पहले से चालू है, ग्रुप बनना आरपीएल बैच बनना चालू है और आरपीएल बैच बनने के बाद से आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड वहाँ किया जा रहा है। ट्रेनिंग अच्छे से 1 हफ्ते आपको दिए जाएंगे, उसमें 72 तरीके से आपको सिखाए जाएंगे जो आपका ट्रेड होगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आरपीएल बैच बनेगा सबका और सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद से
आपका जो है आगे का प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा। अब बात आती है कि जैसे ही आपको कॉल आता है तो कॉल आने के बाद आपको कौन से दस्तावेज कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके आईटीआई कॉलेज गोरखपुर जाना है, यानी कि जो मंडल में वहाँ डिवीजन में जो ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी ले लेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड का दो फोटो ले लेंगे, अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी ले लेंगे, और जो आपने रिज्यूम आपने आरपीएल बैच बनने के पहले जो आपने इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट में प्रोवाइड किया था जाने के समय, वो अपना रिज्यूम उसमें प्रिंट आउट करवा लेंगे और वो रिज्यूम अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाकर के फिर सबमिट करेंगे। अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले लेंगे जो आपने उसमें प्रोवाइड करा होगा, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किया वो भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।